मैं आपके लिए मोबाइल लेके आऊंगी वाला। ये तो बहुत पसंद है आपका मोबाइल आपका। अभी खोलते हैं। अस्सलाम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल अनदर ब्लॉग के साथ आपका भी आज एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ गया है। और आज ये चाचू चाचू करता है ऊपर आके ब्लास्ट किया यार तुझे। ये बनाकर पूछा चाहिए, पहले से नहीं एक्टिंग की थी और ये गिर गया था और मेरे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी। ज़ारा लाइट कब तक आएगी कोई अंदाजा है आपको? भाई कोई अंदाजा नहीं है। बात ये की कहानी की लाइट जो गई हुई है सुबह माशाल्लाह 4 बजे गई थी और अभी तक आई ही नहीं है। और मौसम देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो रहा है, लेकिन स्मोक स्मोक ये बच्चा पार्टी सारी है। आई भी ऊपर तंग कर रही है मुझे, ये सुबह सुबह मेरे साथ उठ के आई भी है। ज़ारा आप लोगों ने कहीं जाने का मूड है? जाने वाटर गन आई हुई है तो वो उसको दिलवानी है। तो मैं सुबह सुबह उठ गया था लेकिन अभी तक फ्रेश नहीं हुआ। पहले मैं कह रहा हूँ होते जाके फ्रेश होना, उसके बाद फिर इनको मैंने ब्लाज को लेकर दिलवानी है गन आज। तो गन के लिए जाएंगे हम चेज वाली। ओके अभी जाएंगे, अभी चेंज डालियो सब साले होते हैं जाके फ्रेश। ज़ारा से घूमने घूमने तो नहीं जाना आपने कहीं? आने तो जाना जाने। ये इतनी सर्दी में ये माल्टा खा रही है और उसको पता खुद नहीं है इतनी सर्दी है। माल्टा खा रही इतनी सर्दी में नहीं खाना खाना भाई नहीं सुनते। चलो निकलते हैं फ्रेश होते हैं। ये रेडी होके नाश्ता वाश्ता करके लाइट अभी अभी थोड़ी देर पहले आई और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और लाइट अभी भी आई है। और मैंने नाश्ता कर लिया था, ब्रश हो गया था, लेकिन एक सडन मुझे काम पड़ गया, मुझे जाना पड़े बंदे से मिलने लाजमी अर्जेंट। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद निकल लगा हूँ एक बंदे से मिलना जाके, उसके बाद बाकी सारा कुछ गाड़ी साड़ी निकाल दी है बाहर, बच्चों का लेके जाना है क्योंकि ना बिलास साहब ने गन लेके रहनी है। अगर ना लेके दी वैसे मैं सोच रहा हूँ ना ही लेके दूँ स्कैम कर दूँ। तो लेकर लगे पहले बंदा था और बताया था एक दोस्त के पास काम जाना है, ब्लास्ट की चीज़ें भी लेके आनी थी। वो काम नहीं था, वो फटीक थी मेरे ऊपर और वो बहुत ही बड़ी फटीक थी। उसने मुझे बुलाया, कहता यार मुझे ना काम है तुझसे। मैं कहा चला जाता हूँ। चला गया तो काम भला ये था कि भाई उसका सारा डाटा ट्रांसफ़र करना था, उसमें इतना टाइम लगा दिया। अभी भी मैं घर आया हूँ और ये मेरा सारा खाना पड़ा नीचे, तो ये खाना मम्मा ने डाल के दे दिया। अभी खाना खाता हूँ फटाफट से, इसको फिनिश करते हैं। और आज माशाल्लाह मम्मा ने बनाया मटन छोटा गोश्त, तो उसको फटाफट खाते हैं। और उसके बाद भी हाँ जी बिलास से कुछ कहना चाहते हैं मुझे, क्या कहना चाहते हैं? बस इसका सुबह से एक रेट लगाई है मुझे, गन चाहिए गन चाहिए। सो गन दिलवा का आम निकल लेना है, इसने डॉल लेनी है बस। उसके बाद खाना छाना फिनिश करने के बाद फिर देखते हैं कि जाते हैं नहीं जाते हैं, बताते हैं। ये सारे रेडी हो गया था, खाना छाना खा लिया था, भाई फिट फाट हो गया था, पेट फुल कर लिया था। अब जाने की बारी है बिलास आपको बाहर लेके, क्योंकि सारे रेडी हो गए, गाड़ी की चाबी उठा लिया है, गाड़ी ये खड़ी गैराज के अंदर और फटाफट निकलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि भाई का मुझे फोन आ गया कि फटाफट आ जाओ। लेकिन अभी आगे का प्लान नहीं पता, आज पता चले बिलास आपको ना ही मिले गन, मुझे लग रहा है स्कैम ही होगा 100% लग रहा है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। इससे मैंने गाड़ी लेके जा रहा हूँ फैमिली को घुमाने पुराने और उसके बाद फिर वापसी घर आएंगे। अभी देखते रास्ते में क्या सीन है, क्या सिचुएशन बनती है। वैसे जो आज मेरे दोस्त ने मुझे किया बहुत बुरा किया मेरे साथ, वो यार मसला एकदम सॉरी यार, ये जो बाहर हॉर्न बजाए घर के बाहर से बाइक गुजरी, वो ये था कि यार बंदा अपना था वो, उसको इनकार भी नहीं कर सकते थे। और 2-3 प्लान और मेरे चौपड़ा हुए क्योंकि क्लाइंट से ही मिलना था, क्लाइंट से ही मिला हूँ जाके। और चलो निकलते फटो गाड़ी खड़ी, गाड़ी में बैठ गया भाई बिलास साहब। कहाँ जाने का मूड है आपका? चाबोड़ जा रहे जी, इनको चाबोड़ गाड़ी देते हैं इनके अब्बा जी को, उसके बाद फिर बिलास साहब के लिए गिफ्ट मैं खुद लेने जाऊंगा, लेके आते हैं फिर मिलते हैं। अगर गिफ्ट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है कि बिलास के साथ चलो तो मिलते हैं आगे। मैं ना गाड़ी पे गया था ना जब, तो गाड़ी ना मैंने वीडियो बना नहीं सका रास्ते अंदर, क्योंकि ना मैं बाइक पे हूँ वापसी घर से इधर। तो मैंने अब सीन यूँ हुआ था कि बाइक मुझे इसलिए चाहिए थी कि मुझे ना मम्मा के लिए मोबाइल लेना था, तो ये मोबाइल है। मैं ना अभी भी ना मतलब कि गाड़ी घर लोगों के साथ घर आ गया था बाइक के साथ ही,
लेकिन मोबाइल मैंने पीछे शॉप वाले पे रख दिया था, क्योंकि मैं बाइक पे आ गया था तो मैंने जाकर उसको बाहर रखवा दिया था शॉप वाले के ऊपर। तो अब मैं बाइक खड़ी करके मैंने कहा मतलब एक मिनट आ रहा बाहर से, तो मोबाइल लेके आ गया हूँ अपने घर के बाहर खड़ा हूँ। अब मम्मा को घर जाते हैं और मम्मा का रिएक्शन देखते हैं, मम्मा के लिए मैं क्या लाया हूँ। तो उनके लिए मैं एक मोबाइल लेके आऊँ गिफ्ट, और बलाज के लिए मैं कुछ भी नहीं लेके आया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसके लिए ले आऊँगा गिफ्ट। मम्मा आ रही ज़रा खामोशी के साथ, देखते हैं क्या कहती हूँ, देखते रिएक्शन रिएक्शन। खोले आपके लिए कुछ लेके आऊँ मैं, मैं आपके लिए मोबाइल लेके आऊँगी वाला। ये तो बहुत पसंद है आपका मोबाइल आपका, अभी खोलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखें आपके लिए मोबाइल लेके आऊँगी वाला। आपको चाहिए था मोबाइल, हो गई चलो मैं भी आ गई इसकी। भाई अभी मम्मा का रिएक्शन तो मैंने देखा नहीं, देखा है खुशी हुई है बहुत ज़्यादा, मम्मा को मोबाइल पसंद आया। लेकिन अभी अनबॉक्सिंग करते हैं इसके अंदर जाके, ये जाते हैं दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करते हुए। और मेरा तो हैप्पी न्यू ईयर यही है कि मैंने मम्मा को गिफ्ट कर दी मोबाइल, यही मेरा था क्या नाम है, हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं मनाते मुसलमान, लेकिन ये कि खुशी इसी में ही होती है कि घर लोगों को खुश किया जाए। तो मेरा सबसे बड़ा खुशी यही है कि मैंने मम्मा को गिफ्ट किया मोबाइल, और अनबॉक्सिंग करते हुए तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं नहीं डालता किसी को बीच में, तो मैं अपना पर्सनल ब्लॉग खुद करता हूँ। तो इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और काइंडली लाइक सब्सक्राइब करें और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो।